आज तक दुनिया में बहुत सी डिस्कवरीज की गई हैं और अक्सर किसी भी खोज के साथ बहुत से सवाल भी जुड़ जाते हैं। कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लिए जाते हैं, लेकिन कुछ सवाल रहस्य बनकर इतिहास के पन्नों में दफन हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी ही कुछ मिस्टीरियस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज के बारे में जो आपके होश उड़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी दुनिया का सफर। नंबर वन, द ऑड वन। हमारी इस लिस्ट की शुरुआत होती है एक रहस्यमयी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी से। ये मेटल से बना हुआ एक मोटा सा टुकड़ा स्वीडन में पाया गया था। स्वीडन की साइट के खुदाई करने के दौरान ये अजीब सा दिखने वाला मेटल का टुकड़ा मिला। इस टुकड़े में कुछ विशेष तरह की कार्विंग्स भी हैं, लेकिन स्टडी के बाद ये बात सामने आई, ये कार्विंग्स दरअसल एक स्क्रिप्ट है जिसको आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। स्क्रिप्ट के साथ ही इसमें एक अजीब सा दिखने वाला क्रीचर भी बना हुआ है। ये क्रीचर भी स्क्रिप्ट की तरह रहस्यमय है। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नंबर टू, गोबेकली टीप। 1994 में गोबेकली टीप की खोज ने हमारे इतिहास को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदल दिया। हमें लगता है कि हम हमारे पूर्वजों के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन गोबेकली टीप उन खोजों में आती है जिसने जवाब से ज्यादा सवाल खड़े कर दिए। गोबेकली टीप एक विशाल प्राचीन मंदिर है जो तुर्की में पाया गया था। इस मंदिर को बड़े स्टोन पिलर्स से बनाया गया है। पिलर्स को शेरों, बिच्छुओं और गिद्धों की जटिल मूर्तियों से सजाया गया है, लेकिन यह मंदिर सिर्फ कला पे ही फोकस नहीं करता है। इस मंदिर में की गई कलाकृति और इंजीनियरिंग वाकई में आपको हैरान कर देंगे। वहाँ मौजूद पिलर्स के ऊपर करीब 10 टन के पत्थर रखे हुए हैं। आखिरकार बिना किसी तकनीक की मदद से इन भारी पत्थरों को पिलर्स के ऊपर कैसे रखा गया, ये आज तक किसी को नहीं पता। लेकिन जो बात गोबेकली टीप को इतना अविश्वसनीय बनाती है वो ये है कि इसे 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बनाया गया था, यानी कि लगभग 11,500 साल पहले, और इस तरह से ये दुनिया का सबसे पुराना मंदिर बन गया। नंबर थ्री, द कॉपर स्क्रोल ट्रेजर। कॉपर स्क्रोल खिरबेन कुमरन के पास केव 3 में पाए गए डेड सी स्क्रोल्स में से एक हैं, लेकिन ये स्क्रोल्स दूसरों से काफी अलग हैं। जहां एक और दूसरे स्क्रोल जानवरों के खाल पर या पेपरस पे लिखे गए हैं, वहीं दूसरी ओर ये स्क्रोल मेटल पे लिखा हुआ है। इस स्क्रोल में कॉपर के साथ साथ 1% टिन भी मौजूद है। इन प्राचीन कॉपर स्क्रोल को वास्तव में अलग अलग टुकड़े कर 8 फीट लंबे एक स्क्रोल में बांध दिया गया था। दोस्तों, ये कोई आम स्क्रोल नहीं है और न ही इसमें बाकी स्क्रोल की तरह लिटररी वर्क किया गया है। इस स्क्रोल में उन जगहों की एक लिस्ट लिखी हुई है जहां सोने और चांदी के वेरियस आइटम्स को दफनाया या छिपाया गया था। 2013 में कॉपर स्क्रोल को अपने पुराने म्यूजियम से शिफ्ट कर दिया गया था। अगर आप इन कॉपर स्क्रोल्स को देखना चाहते हैं तो आप इन्हें अम्मान के जॉर्डन म्यूजियम में देख सकते हैं। हालांकि ज्यादातर डेड स्क्रोल वहां रहने वाले लोगों या फिर आदिवासियों द्वारा खोजे गए थे, लेकिन कॉपर स्क्रोल की खोज एक आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई थी। नंबर फोर, किंग टुट्स डेथ। दोस्तों, आपने बहुत से राजाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन जिस राजा के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं उनका इतिहास बहुत ही रोचक और डरावना है। राजा तुतन खामुन ने 19 वर्ष की आयु में 1324 बीसी के आसपास करीब 10 साल तक मिस्र पे परोआ के रूप में शासन किया। परोआ शारीरिक रूप से कमजोर थे। उनके पैरों के निचले हिस्से में एक गंभीर हड्डी की बीमारी थी और शायद इसी इन्फेक्शन के चलते उनकी मौत हो गई थी। किंग टुट के बारे में आज हम जो कुछ भी जानते हैं उसका श्रेय जाता है मशहूर ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर को। 1922 में कार्टर ने सिर्फ छेनी की मदद से परोआ के टूम की खोज की। ये जगह करीब 3200 सालों से बंद थी। ये कोई साधारण टूम नहीं था। इस टूम पे बेहतरीन कलाकृतियां बनी थी और राजा के साथ खजाने को भी दफन किया गया था। प्राचीन मिस्र के लोगों का मानना था कि ये खजाना राजा को दूसरे जीवन में भी मदद करेगा और साथ ही साथ इस खजाने की मदद से इजिप्ट की प्राचीन रॉयल लाइफ के बारे में भी पता चलता है। ऐसा माना जाता है कि परोआ का टूम एक हॉन्टेड प्लेस है। परोआ के टूम से छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है। कार्टर के सहयोगी लॉर्ड कार्नरवन की मौत टूम में प्रवेश करने के 4 महीने बाद ही हो गई थी और इस वजह से द कर्स ऑफ परोआ लोगों के बीच और भी ज्यादा फेमस हो गया। हालांकि रिसर्चर्स ने इसे महज एक मिथ बताया है। नंबर फाइव, द हॉबिट्स। दोस्तों, आपने होमो सेपियंस के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन हाल ही में इंडोनेशिया के फ्लोरल आइलैंड पे अर्ली ह्यूमन स्पीसीज होमो फ्लोरेसेंसिस के अवशेष पाए गए। फ्लोस आइलैंड में पाए जाने के कारण इनका नाम होमो फ्लोरेसेंसिस रखा गया, लेकिन इनका एक और नाम है। जी दोस्तों, इनको हॉबिट के नाम से भी जाना जाता है। इनके फॉसिल्स पर रिसर्च करने के बाद साइंटिस्ट इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि होमो फ्लोरेसेंसिस के फॉसिल्स लगभग 1,00,000 से 60,000 साल पुराने हैं। होमो फ्लोरेसेंसिस स्पीशीज का ये फॉसिल दरअसल एक फीमेल फॉसिल है। अपने छोटे आकार के शरीर और मस्तिष्क के बावजूद होमो फ्लोरेसेंसिस पत्थर के औजारों का निर्माण और इस्तेमाल करना जानते थे या आग का इस्तेमाल भी कर सकते थे। 2003 में हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी एक संयुक्त इंडोनेशियाई ऑस्ट्रेलियाई शोध टीम ने इसकी खोज की थी। लेकिन ये अर्ली ह्यूमंस आखिर फ्लोस के आइलैंड पे कैसे पहुंचे और क्या होमो फ्लोरेसेंसिस और हमारी प्रजाति होमो सेपियंस कभी एक दूसरे के संपर्क में आए,
आज भी इस खोज से जुड़े कई सवालों का जवाब हमें नहीं मिल पाया है। नंबर 6, द लॉस्ट माया। 1840 के दशक में जॉन लॉयड स्टीफंस और फ्रेडरिक कैथरीन ने माया सभ्यता की खोज की थी। उन्होंने अपनी इस खोज का अध्ययन 19वीं शताब्दी की बेहतरीन तकनीक के साथ किया और अपनी स्टडी और डिस्कवरी को दुनिया के सामने पेश किया। माया साम्राज्य, जो अब ग्वाटेमाला के ट्रॉपिकल रीजन्स तक सीमित है, 6वीं शताब्दी के समय अपनी शक्ति और प्रभाव के चरम पर था। माया सभ्यता के लोगों को खेतीबाड़ी, मिट्टी के बर्तनों, कला, कैलेंडर निर्माण और गणित से जुड़े सभी पहलुओं की समझ थे। माया सभ्यता पर की गई रिसर्च और स्टडी से इसके कई राज भी सामने आए हैं। माया साइट में की गई खुदाई से महल, मंदिर, पिरामिड और यहाँ तक कि खेलने का कोर्ट भी डिस्कवर किया गया। इस कोर्ट में फेमस बॉल गेम उलामा खेला जाता था। माया शहर में ज्यादातर किसानों की बस्ती थी और जाहिर सी बात है, किसानों की बस्ती होने के कारण उनके पास खेती करने के उम्दा और बेहतरीन तरीके थे। आधुनिक समय की तरह माया सभ्यता के लोग सिंचाई और टेरेस फार्मिंग के तरीके भी जानते थे। क्या आपको पता है, माया सभ्यता के इनिशियल स्टेजेस में सिर्फ एक ही भाषा इस्तेमाल की जाती थी। प्री क्लासिक एरा तक माया लोगों के बीच बहुत सी भाषाएं विकसित हो गई थीं। आज के समय में मेक्सिको और मध्य अमेरिका में लगभग 5 मिलियन लोग 70 माया भाषाएं बोलते हैं। नंबर 7, स्टोन स्पेयर्स इन कोस्टारिका। जायंट स्टोन स्पेयर्स लगभग 600 एडी के करीब साउथ कोस्टारिका में पाए गए थे। लोकल लैंग्वेज में इनको लास बोलास द बॉल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये जायंट स्टोन्स या मॉन्यूमेंट्स प्री कोलंबियन सिविलाइजेशन की निशानी हैं और ज्यादातर स्टोन्स गैब्रो नाम के मटेरियल से बने हैं, जो दरअसल एक चट्टान होती है जो पिघले हुए मैग्मा से बनती है। एंशियंट रॉक्स की स्टडी करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार, इन प्राचीन विशालकाय पत्थरों को पूरी तरह से गोल आकार का बनाने के लिए कई छोटे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। कई नॉन एक्सपर्ट्स ने भी इन पत्थरों के बारे में अपनी राय दी है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि इन स्फीयर्स का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल पर्पसेस के लिए किया जाता था, तो वहीं दूसरी ओर ये भी कहा जाता है कि ये पत्थर महत्वपूर्ण स्थानों का रास्ता बताते हैं। सच्चाई ये है कि कोई भी निश्चित रूप से इन पत्थरों के बारे में नहीं जानता है। चिपचन लोग, जो कभी कोस्टारिका और मध्य अमेरिका के अन्य हिस्सों में रहते थे, स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के बाद वहां से गायब हो गए और उनके साथ ही गायब हो गया इन पत्थरों का रहस्य भी। नंबर 8, क्लियोपेट्रास टॉम्ब। क्लियोपेट्रा टॉलमीज शासकों की सीरीज की अंतिम शासक थे। टॉलमीज ने 305 और 30 बीसी के बीच मिस्र पर शासन किया था। वो अपनी इंटेलिजेंस, ब्यूटी और रोमांटिक रिलेशनशिप्स की वजह से मशहूर थे। जूलियस सीजर और मार्क एंटनी दोनों के साथ उनके संबंध थे। लेकिन क्लियोपेट्रा के बारे में एक और फैक्ट है जो अभी भी रहस्य में डूबा हुआ है, और वो है उनका ब्यूरियल प्लेस। 31 बीसी में बैटल ऑफ एक्टियम में अपने दुश्मन ऑक्टेवियन को हराने के बाद क्लियोपेट्रा और एंटनी दोनों ने आत्महत्या कर ली। उन दोनों को इजिप्शियन गॉडेस आइसिस के मंदिर के पास एक साथ दफन कर दिया गया। मशहूर लेखक प्लूटार्क ने इस जगह को बुलंद और सुंदर स्मारक के रूप में डिस्क्राइब किया था, लेकिन वास्तव में ये मकबरा कहाँ स्थित है वो एक रहस्य बना हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि अगर किसी को ये लवर टूम मिल भी गया तो हो सकता है वो टूम खाली हो, क्योंकि पुराने समय में कब्र लूटना आम बात थी। नंबर 9, अटलांटिस। अटलांटिस की खोज को लेकर अब तक कई दावे किए जा चुके हैं, और अगर हम हर दावे को सच मानकर चलें तो द लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस बहामास, ग्रीक आइलैंड, क्यूबा और यहां तक कि जापान में भी डिस्कवर की गई है। अब इन खोजों में कितनी सच्चाई है इसका पता तो किसी को भी नहीं है। अटलांटिस शहर का जिक्र सबसे पहले प्राचीन यूनानी इतिहासकार प्लेटो द्वारा 360 बीसी में किया गया था। प्लेटो के अनुसार ये शहर एक शक्तिशाली नेवल बेस था, लेकिन नेचुरल कॉजेज की वजह से ये मिथोलॉजिकल आइलैंड 10,000 साल पहले समुद्र में डूब गया। जैसा कि हमने पहले बताया, अटलांटिस शहर असल में किस जगह बसा हुआ था, इस बात पर आज भी मतभेद जारी है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वास्तव में कोई ऐसा शहर कभी था ही नहीं, लेकिन लोगों की कल्पना में ये आज भी जिंदा है और रहस्यों से घिरे होने के बावजूद भी ये लोगों के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। नंबर 10, नाजका लाइंस ऑफ पेरू। जमीन से देखने पर पेरू की नाजका लाइंस इतनी भी शानदार नहीं लगती, लेकिन हवा से देखने पर ये लाइंस आपको हैरान कर देंगे। इन लाइंस को पहली बार 1920 और 30 के दशक में कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स द्वारा देखा गया था। ये लाइंस जियोमेट्रिकल पैटर्न्स जानवर से लेकर पौधों और भी काल्पनिक आकृतियों का निर्माण करते हैं। ये लाइंस 2000 साल पहले नाजका संस्कृति के लोगों द्वारा बनाई गई थी। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये एक रहस्य बना हुआ है। अनुमान लगाया जाता है कि ये लाइंस एलियन लैंडिंग या फिर एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हैं। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि लाइंस नाजका के लोगों के रिचुअल्स का हिस्सा थी। इन लाइंस की मदद से नाजका के लोग अपने देवताओं से जुड़ने की कोशिश करते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।